नमस्कार, मैं हूं ऋचा शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज़ फाउंडेशन। लॉकडाउन 4.0 को लेकर कई रियायतें दी गई हैं और इसी बीच अब राजधानी पटना में भी सभी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और बड़े मार्केट्स को खोल दिया गया है। इसी बीच इस वक्त हम खड़े हैं खेतान मार्केट के पास और देखिए किस तरह से अभी ये मार्केट गुलजार हो चुका है और कई जो दुकानें हैं वो खोल दिए गए हैं। लेकिन इसमें भी इस बात का ध्यान दिया जा रहा है कि ऑड इवन का पूरी तरीके से इस्तेमाल किया जा सके, उसको फॉलो किया जा सके। सबसे पहले हम आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे कि जैसे ही गेट पर एंट्री होती है थर्मल स्कैनिंग की जा रही है, जो भी लोग आ रहे हैं उनके स्कैनिंग के लिए लोग यहाँ पर खड़े हैं। इसके साथ ही इन बातों का भी ध्यान दिया जा रहा है कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करें। लोग जैसे ही अंदर इन कर रहे हैं इसके साथ ही उनके हाथों को सैनिटाइज भी किया जा रहा है। और आप ये जो घेरा है इसके माध्यम से आप समझ सकते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग को भी फॉलो करते हुए लोग आगे बढ़ रहे हैं। और ख़ासकर बात करें दुकान की तो ऑड इवन को फॉलो किया जा रहा है और लॉकडाउन का जो नियम है उसका पालन किया जा रहा है ताकि लॉकडाउन का उल्लंघन ना किया जाए और कोरोना जैसे संक्रमण से हम बच पाएँ। देखिए जैसे ही एंट्री हो रही है सबसे पहले हाथों को सैनिटाइज किया जा रहा है। हाथों को सैनिटाइज करने के बाद ही यहाँ से लोगों को रिलीज़ किया जा रहा है ताकि वो आगे शॉपिंग करने के लिए दुकान जा सके। और इसके साथ ही कई व्यवस्थाएं की गई है। आपको बता दें कि दो दिन पहले ज़िला प्रशासन ने अनुमति दे दी थी लेकिन जो गाइडलाइन है वो आज जारी की गई। उसके बाद कहीं ना कहीं बाज़ार में रौनक तो दिख रही है और इसके साथ ही जो चीज़ें हैं लॉकडाउन के नियम का पालन करते हुए वो सुचारू रूप से चलाए जा रहा है। कई रियायतें दी गई, इसमें बस की सेवा की बात की जाए, रेल लाइन की बात की जाए या फिर एयरलाइन की बात की जाए। अब शॉपिंग कॉम्प्लेक्स खेतान मार्केट जो भी बड़े मार्केट है राजधानी पटना में उन्हें भी खोल दिया गया है। लेकिन इन बातों का ध्यान रखा जा रहा है कि लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन ना हो। खासकर बात किया जाए कि ऑड इवन का पालन किया जा रहा है यहाँ पर। और आप देखिए जो भी लोग हैं जो मास्क नहीं पहन के आ रहे, क्योंकि यहाँ पर मास्क पहनना अनिवार्य है, जो लोग मास्क पहन के अंदर नहीं आएंगे उन्हें अंदर आने की इजाज़त नहीं है। लेकिन क्योंकि आज पहला दिन है ऐसे में अगर कोई नहीं आ रहे हैं मास्क पहनकर तो उन्हें बताया जा रहा है और इसके साथ ही ये मास्क भी वितरित किया जा रहा है, मास्क भी उन्हें दिया जा रहा है। तो ये खेतान मार्केट प्रशासन की तरफ से ये परिसर में अभी इस वक्त हम मौजूद हैं और यहाँ इनके तरफ से भी लगातार लोगों तक मदद की जा रही है, ये पहुँचाया जा रहा है अवेयरनेस के लिए। सर क्या कुछ हो रहा है? ये माननीय जिला पदाधिकारी के दिशा निर्देश के अनुसार हम लोगों ने मार्केट आज खोला है। आज पहला दिन है, दो महीना के लॉकडाउन के बाद आज पहला दिन है जो बिहार का सबसे बड़ा कपड़ा मंडी खेतान सुपरमार्केट आज खुला है। इस विषय पर हम लोगों को जो सरकारी मानक दिया गया है कि इसके अनुसार उसका पूरा पालन हो रहा है। हम लोगों को ऑड एंड इवन के रूप में सभी दुकान को, जितने भी दुकान हैं उसको दो जोन में बांटा है, एक ग्रीन और एक ऑरेंज। सभी दुकान के सामने ग्रीन रंग का पेंट किया गया है और ऑरेंज रंग का पेंट किया गया है। एक ग्रीन रंग को आज सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को दिया गया है और ऑरेंज रंग जिसका दिया गया है उसको मंगलवार, गुरुवार और शनिवार दिया गया है। उस हिसाब से आधी दुकानें आज खुल रही है और आधी दुकान कल से खुलेगी। बिल्कुल, तो लोग आ रहे हैं क्या? अभी तक आप लगातार यहाँ पर खड़े हैं और लोगों की मदद भी कर रहे हैं, उन तक मास्क भी पहुँचा रहे हैं। हाँ। तो आप ये अनुभव कर रहे होंगे लोग कितनी संख्या में आ रहे हैं? लोग बहुत कम संख्या में आ रहे हैं। आज चूँकि पहला दिन है इसलिए हमें उम्मीद है कि कल से और अच्छा रहेगा। बहुत लोगों को ये जानकारी भी नहीं है और जिनको जानकारी हो रही है वो बहुत ज़रूरी जिनको है वो आ भी रहे हैं, क्योंकि लॉकडाउन में अभी बहुत लोग निकल भी नहीं रहे हैं। लॉकडाउन टूटने के बाद हम लोग को इसका फ़ायदा मिलेगा। अभी बहुत ज़्यादा हम लोगों के पास ग्राहक की एंट्री बहुत कम है लेकिन जितने भी लोग आ रहे हैं उनको हम लोगों ने मानक के अनुसार सभी चीज़ें हैंड सैनिटाइजर के साथ, ये टेम्परेचर नापने के अलावा जितना भी सोशल डिस्टेंसिंग को मान्य रखते हुए सभी चीज़ हम लोग अपने स्थान से दे रहे हैं। हर एक वॉशिंग में, वॉशरूम में और बाथरूम में जितना है वहाँ साबुन रखा हुआ है, जिनको भी साबुन से हाथ धो करके ये इंतजाम, जितने भी मानक है और साफ़ सफाई का पूरा हम लोगों ने कल पूरे मार्केट को सैनिटाइज कराया है नगर निगम के द्वारा से। जितना भी मानक हो रहा है अपने स्तर से हम लोगों ने उसको पूरा किया है। कहीं भी प्रशासन के इस फैसले के बाद कितनी राहत मिली है? अब तो सभी के चेहरे पर खुशी है,
सभी दुकानदारों के 2 महीने से घर में बैठे हुए थे, अब तो कम से कम आकर के अपना ड्यूटी तो कर रहे हैं। सभी लोग अपना दुकान देख रहे हैं, चूहा काटा या क्या नुकसान है, नुकसान का आकलन तो लगाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि नुकसान जो वस्त्र व्यवसायियों को खास करके हुआ है, इसकी भरपाई अगले 5 साल तक नहीं की जा सकती है, क्योंकि बहुत लोगों का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। एक तो हमारे यहाँ कपड़े में जो स्टॉक आता है, जो पुराना हो जाता है, उस पर धूल गर्दा वगैरह 2 महीने से बंद था, उसका भी बहुत बुरा असर पड़ता है। लेकिन सभी लोग इसी में काम चलाना है, सभी पूरा विश्व इसमें काम चला रहा है, तो हम लोग इसमें अग्रणी है, इसमें कहीं से कोई कमजोरी हम लोगों की तरफ से नहीं है। तो आज जैसे आप मास्क बांट रहे हैं, ये सिलसिला लगातार जारी रहेगा, मार्केट की ओर से लगातार ये जारी रहेगा, जितना भी ज़्यादा हो सके, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए कोरोना को हराना है, इसके लिए हम लोग कमरबद्ध हैं। आपने कहा कि दुकानों के आगे ये साइन लगा दिया गया है, कलर कर दिया गया है, ताकि ये पता चल जाए कि एक एक दिन गैप करके किसको किस दिन दुकान खोलना है। मैं चाहूंगी सर आप वो दिखा दें हमें किस तरह से। बिल्कुल, तो आपको हम ले चलते हैं और दिखाते हैं कि किस तरह से इस बात का भी ध्यान रखा गया है, खासकर दुकान के आगे कलर कर दिया गया है कि वो पर्टिकुलर तारीख में, पर्टिकुलर दिन के में ही वो दुकान को खोली जाए, क्योंकि जिस हिसाब से यहाँ पर संख्याएं हैं दुकानों की वो काफ़ी बड़ी है, ऐसे में लॉकडाउन का उल्लंघन होने की आशंका है। और इसको लेकर आप देखिए कि किस तरह से दुकान के आगे कलर कर दिया गया है ताकि वो पर्टिकुलर डेट में ही खुलेगी। इसको लेकर ऑड इवन को फॉलो किया जा रहा है, जो भी दुकानें खुल रही हैं, जो सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को खुलेगी उसके आगे ग्रीन, आप ये देख रहे हैं ये कलर का सिंबल है, इससे ये पता चलेगा कि ये जो दुकान है वो सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को ही खुलेगी। वहीं दूसरी तरफ आपको हम दिखाएं कि ऑरेंज से भी कलर किया गया है, ये दुकान आज आपको बंद दिख रहा है, इसलिए दिख रहा है क्योंकि आज सोमवार है और सोमवार को ये दुकान बंद रहेगी, ये दुकान मंगलवार को, गुरुवार को और शनिवार को खुलेगी। तो इस बातों का ध्यान रखा गया है पूरी तरीके से कि लॉकडाउन का पालन किया जाए, क्योंकि कोरोना का आंकड़ा जिस तरह से बढ़ रहा है, सवाल भी है कि हम इस आपदा की घड़ी से निपटेंगे कैसे। और अब इसको लेकर रियायतें दे दी गई है, काफ़ी छूट मिल गया है, तो ऐसे में अब लॉकडाउन के नियमों का पालन करना बेहद ही ज़रूरी हो गया है। तो आप देखिए कि खेतान मार्केट में किस तरह से पर्टिकुलर ये कलर करके ये दर्शा दिया गया है कि ये जो दुकानें हैं वो ऑरेंज में आएंगी, यानी कि ये सिर्फ मंगलवार को, शुक्रवार को, गुरुवार को और शनिवार को खुलेंगी। वहीं जो ग्रीन कलर से जिस पे सिंबल लगाया गया है वो दुकानें सोमवार को, बुधवार को और शुक्रवार को खुलेंगी। तो आप देखिए कि आज क्योंकि सोमवार है तो जो भी ग्रीन कलर से किया होगा, जहाँ पे सिंबल आपको ग्रीन दिखेगा, वो सभी दुकानें आज खुलेंगी। कुल आज 150 दुकानें खुल गई हैं और कल भी ये दुकान कल बंद रहेगी, कल एक दिन इसको गैप दिया जाएगा, उसके बाद परसों ये फिर से खुलेगी। वैसे ही अलग अलग करके इस बात का ध्यान दिया जा रहा है कि लॉकडाउन का उल्लंघन ना हो। खासकर एक और बात है कि जो लोग मास्क पहन के आए हैं वहीं शॉपिंग कर सकते हैं, वहीं इस परिसर में अंदर आ सकते हैं, लेकिन क्योंकि अभी लोगों में अवेयरनेस नहीं है, ऐसे में परिसर के द्वारा भी मास्क वितरित किया जा रहा है। ऐसे लोग जो मास्क नहीं पहन के आ रहे हैं उनको वितरित किया जा रहा है ताकि वो मास्क पहने, अपने आप को सुरक्षित रखें और सुरक्षित होते हुए वो शॉपिंग कर सके। तो रियायतें कई दी गई है और उसके साथ ही शर्त भी है, तो शर्तों का ध्यान रखना है और अपनी जो भी ज़रूरतमंद चीज़ें हैं उन तक अपने आप को पहुँचाना है। साथ में सबसे बड़ी बात हो जाती है कि जिस हिसाब से आंकड़े बढ़ रहे हैं सतर्कता बेहद जरूरी है, ऐसे में हम भी आपसे अपील करेंगे कि घर में रहिए, स्वस्थ रहिए और सुरक्षित रहिए। देश और दुनिया के तमाम बड़े अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ 4 नेशन। नमस्कार।